तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह बच्चे, तुम्हारा फोटो सेशन खत्म हो गया तो मैं बात शुरू करूं। किसी के हाथ में मुझे वो मोबाइल नजर ना आए। सूरह आले इमरान से एक छोटी सी आयत पढ़ने लगा हूं। ये कौल है बीबी मरियम की पाक वालिदा का। मन्नत मानी थी कि रब्बे इन्नी नजर तो लका माफी बतनी मुहर्रा, के पालने वाले मेरे शिकम में जो कुछ भी है वो मैंने तेरी नजर किया। इस पे चूंकि बहस करनी नहीं मुझे मलिक, और साबित ये होता है कि मरियम की माँ हन्ना को इल्म नहीं था कि मेरे शिकम में क्या है, वरना ये ना कहती माफी बतनी जो भी है मेरे शिकम में। हाँ, लेकिन एक घर ऐसा भी है जिन्हें न सिर्फ ये पता होता है कि बेटी है या बेटी, बल्कि नाम का भी पता होता है। जब बीबी मरियम आ गई दुनिया में, कालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, पालने वाले ये तो बेटी है, वल्लैसा ज़ाकरो कल उन्सा, बेटी तो बेटे जैसी नहीं हो सकती। यानी मरियम की आमद पर उसकी वालिदा को ये एतराफ है कि बेटी बेटे जैसी नहीं हो सकती, और एक बेटी ऐसी भी है कि मोहम्मद मुस्तफा जैसे मुनसिफ को कहना। वहां कहना पड़ा रसूल को के कायनात में, यानी जहीर भाई अगर हदीस की गहराई और गहराई को देखा जाए, इल्म का कलेजा फट जाता है। फरमाते हैं मा शा वल्लाहु इमरातन कत्तो बे रजुलन इल्ला मिन तस्मीयते फातिमा ताबे अलीन, पर मैं आज तक कोई औरत किसी मर्द के बराबर नहीं हो सकी, मगर एक फातिमा है जो अली के बराबर। से राजी, तुमने मेरी सफर की थकन उतार दी, यकीनन मेरे सामने खरीदार है, तुम्हारी अमानत है, वो जुमला तुम्हें मुंतकिल करने लगा हूं। यानी अल्लाह को कोई औरत नजर नहीं आई फातिमा की बराबरी के लिए, उसे अली बनाना पड़ा। समझ आ रही बात,
बराबरी के लिए परकार मशीयत को अली बनाना पड़ता है। जो और ये मैं कई मजालिस में मलिक और मलिक शौकत शकील अहमान तुम लोगों को बता चुका हूं कि इस घर ये जो 14 का घराना है यहां सीधे हकीकत नहीं होते। अमजद बाकी पूरी खुदाई में सीगों से जिन्स बनती है, ये मुजक्कर है ये मुअन्नस है, लेकिन इस घर में सीगे जिन्स नहीं बनाते। ये वो घर है जो खुद सीगे बनाता है। अल्लाह अकबर, समझ आई है ना बात? नहीं, मैं पहले एक आलम रब्बानी का कौल सुनाता हूँ, फिर आयत भी पढ़ता हूँ। अल्लामा अबुल हसन मरंदी राजी नजफी अल्लाह मकामहू, उन्होंने एक जुमला लिखा है और यकीनन वो कलम नूर से दामन हूर पे लिखने के लायक था। मजबूरी थी कि किताब के कागज पे लिखना पड़ा, सर उठाओ, वरना तो लोहे महफूज के सीने में भी वो रिफत नहीं कि इनका नाम आए। मैं कह गया तुम रह गए। इन्नल्लाह ज़य्यनल अर्शा बिअस्माइल खम्सतिन नुजबा, अल्लाह ने अपने अर्श को 5 नामों से ज़ीनत बख्शी। नहीं नहीं, पिछले माले वाले मेरी बात की गिराई गहरा तक नहीं पहुंचे। रफीयो दराजात ज़ुल अर्श, अल्लाह अर्श वाला है, जिस अर्श की निस्बत वो अपनी जात को देता है उसे जीनत देता है इन 5 नामों से। लोहे महफूज का आगाज इन नामों से कर लेता, कायनात के सारे इल्म लोहे महफूज पर, ये 5 नाम अर्श पर। पिछले मालने वालों, जहन में रख के बैठना, हम सारे वजहुल्लाह का जिक्र है, चेहरा गुलाब होना चाहिए। वो क्या लिखते हैं? वो फरमाते हैं इन कानल मासूमून अल अरबा तो अशर सगीरहुम व कबीरहुम निसाओहुम व रिजालहुम फीमा यहताजु इलैहिल खल्क़ु अला हद्दिन सवा فَجَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ مِنَ التَّكْوِينِيَّاتِ وَالتَّشْرِيعَاتِ مَوْجُودَةٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَالسُّرُجِ الْمُتَعَدَّدَةِ يُسْتَلَاهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ وَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ الْآخَرِ। वो कह रहे हैं कि ये जो 14 मासूम है ना, इनके छोटे हूं या बड़े, सगीर हूं व कबीर हूं, चाहे इनके छोटे हूं या बड़े, रिजाल हूं व निसा हूं, चाहे इनके मर्द हूं या पर्दादार, फीमा यहताजु इलैहिल खल्क़ु अला हद्दिन सवा, जिस जिस चीज की हाजत मखलूक को है उसमें 14 बराबर हैं।
जी जी नहीं, हालांकि हालांकि यहाँ शौकत अमानत कमर बेटा उन्होंने जो जुमला ज़हीर भाई लिखा था काफी था, फीमा यहता जो इलेल खल आगे, और यही आलम रब्बानी की शान होती है मलिक और फिर फरमाते हैं फजमियो मा याहताजो इलैहिल खल्को मिन तकवीनियात व तशरीयात मौजूदतुन इंद कुल वाहिद मिनहु। फरमा हर वो चीज जिसमें मखलूक मोहताज है, चाहे वो तकवीन हो या तशरी हो, है? एक निजाम शरीयत है, एक निजाम तकवीन है, और तकवीन के चार बड़े बुनियादी सतून है, बाकी सारे निजाम उन्हीं में जम है, खल्क रिज्क मौत हयात, बज़ाहिर चार हैं, लेकिन चाहे आगे चार करोड़ भी बना दो तो इन चार में से किसी ना किसी के साथ मरबूत होगा या उसकी जुज होगा। तो ये तकवीनियात हैं, और तशरीयात नमाज रोजा हज जगह यानी जो भी शरीयत से तल्लुक रखता है, वो फरमाते हर चीज चाहे वो तकवीन है या शरीयत है, वो इन सब के पास बराबरी की बुनियाद पे मौजूद है। उनके फरमाने का मकसद ये है जो चीज 52 बरस का मोहम्मद दे सकता है वही 30 बरस का अली दे सकता है, वही 1 साल का हुसैन दे सकता है। बातें इधर वालों, और बच्चे मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद बंद बंद, नमाजी नमाज पढ़ रहे हूं और उनकी सफ के आगे बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर दो, मार मार के अस्पताल पहुंचा देंगे कि कमबख्त खुद भी नहीं पढ़ रहे, हमारी भी खराब कर रहे हो। वो बदन की नमाज है, मैं रूह की नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कह रहा था मैं, 14 के पास बराबर है, चाहे वो तकवीनी यात हूं या तशरीयात, खल्क रिज्क मौत और हयात के निजाम हूं या शरीयत के अमूर हूं। आगे गुलफाम हुसैनी उन्होंने जो मिसाल दी है क्या ही बात है, मुझे तो पढ़ के मजा आ गया था। फरमाते कसरो जिल मुतअद्ददते युस्तदाउ बिकुल्ल वाहिद मिन्हु। वो फरमाते हैं यूं समझ लो 14 दिए जल रहे हूं, अंधेरे कमरे में जाना हो 14 में से जो भी उठा लो, कहते हैं वकुल्लो वाहिद मिन्हु यकूमो मकाम अल आखिर। वो कहते हैं इनमें हर दिया दूसरे का कायम मकाम हो सकता है, तो एक अंधेरे कमरे में रख के आए वो उठा लो दूसरा रख दो वो उसका कायम मकाम हो गया, अगले दिन वो उठा के पहले वाला रख दो ये दूसरे का कायम। अल्लाह
हाँ, मेरा ख्याल अब हर बंदा समझ चुका है। अच्छा, अब एक फिक्रा मैंने करूं, उन्होंने लिखा है शरा उसकी करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। यकीन है मुझे कि जिसके दिल में इकरारे विला है उसे शरा की जरूरत नहीं। फरमाते हैं सगीरोहुम कबीरुन व निसाओहुम रिजालुन। फरमाते ये वो घर है जिनके छोटे बड़े हैं। सगीरों कबीरों इनके छोटे बड़े हैं। और जागना लाहौर वालों वनिसाओ हम रिजालों, कहते इस घर की औरतें मर्द हैं। छोटे बड़े हैं, इनकी मस्तूरात मर्द हैं। इसलिए तो सूरह आराफ में अल्लाह ने कहा है ना, वा अल आराफ रिजालुन यारिफून कुल्लन बिसीमाहुम। अल्लाह कहते आराफ पे कुछ मर्द होंगे। यारिफून कुल्लन बेसीमा हम, वो हर आने वाले को पेशानी से पहचान रहे होंगे। अब औलाद आदम की तादाद देख, सारी कियामत में आएगी, वो देख कर कहेंगे हमारा है आने दो। ये हमारा नहीं, उधर ले जाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब सादिक आले मोहम्मद से किसी ने पूछा लेर भाई अमजद के मौला मल आराफ, आराफ क्या है? फरमाया तिल्लुम मिन मिस्किल जन्नत, जन्नत के मुश्क का एक टीला है। यार अत्तार या पंसारी की दुकान पे जो मुश्क पड़ा हो वो डिबिया से निकाले महल्ला महक जाता है कि जन्नत का मुश्क है। और कोई तोला नहीं, पाओ नहीं, शेर नहीं, पूरा टीला है। उस पे नूरी कालीन बिछे होंगे, नूर की कुर्सियां पड़ी होंगी। फरमाया उस पे छह लोग बैठे होंगे। जागना बिजना माले वालों, माला कौन कौन से? फरमाए मोहम्मद व अली व फातिमा तो व खदीजत अल कुबरा व हसन व हुसैन। अपने छत फाड़ दाद दी नवाजिश, हाथ उठाए मेहरबानी, नारा लगाए शुक्रिया, वाहवा की ममनून। लेकिन जरा सोचा है, सादिक आले मोहम्मद ने छह में दो पर्देदारों के नाम गिनवाए। अल्लाह कहता है अलल आराफ रिजाल और आराफ के मर्द होंगे। समझ में आ गई? देखो तुम्हारी अपनी जात में सीगों के मीजान में तोलो ना, तुम्हारे अपने अंदर कितने मुजक्कर हैं, कितने मुअन्नस हैं, तुम सारे मिलके फिर मुजक्कर हो। नहीं, मैंने कुछ गलत कहा? तुम मुजक्कर हो या मुअन्नस? सारे मुजक्कर हो ना है? मैं कहता हूं तेरा सर
तेरा मुजक्कर है, फिर मैं कहता हूँ तेरी आंख मुअन्नस है, तो तेरा भी तू है, तेरी भी तू है। समझ गए ना है? यहां जिन्स बदली नहीं, मैंने कहा तेरा हाथ, फिर कहा तेरी उंगली, तो तेरा भी तू था, तेरी भी तू था। अब तेरी कहने से तू औरत नहीं हो गया, फातिमा पर मुअन्नस का सीगा बोलने से वो औरत नहीं हो गई। नहीं, मुझे मलकुर अच्छी तरह याद है, इसी मिंबर से मैंने तुम्हारे मजमे को बताया है। हदीस की साहब पढ़ते हो ना रोज, आज पढ़ी थी, पढ़ी थी। अच्छा, तो अल्लाह ने क्या तारुफ कराया था, जब जिब्रील ने पूछा था रब्बे व मन तातल किसा, पालने वाले चादर के नीचे कौन है। ठहरो ठहरो, मैं चंद अशरे पढ़ गया हूं यहां, चंद खमसे। मैंने तो दूसरे साल कभी रास्ता नहीं पूछा मुगलपुरे का, देखा हुआ जो है। 24,000 दफा जिब्रील 23 बरस में नाजिल हुआ है। अल्लाह अल्लाह अकबर, साल 23 है और नाजिल हुआ है 24,000 दफा। अब इतनी दफा शहर उसका देखा हुआ, मोहल्ला बनी हाशिम पहचाना हुआ, घर में दिन रात आना जाना, फिर क्यों पूछ रहा है कौन है चादर के नीचे। बार बार समझ आ रही है मेरी बात? नहीं जहीर भाई, मैं अब्बास का आलम लाओ, हाथ में लूं कुरान, सर पे रखूं, जुमला कहने लगा हूं, अगर खरीद सकते हो, अगर मोहम्मद होता, अली होता, हसन हुसैन होते, कभी ना पूछता जिब्रील कौन है, ये पतौल थी जिसने जिब्रील की बीनाई छीन ली। बेटे एक दुरुस्ती कर लो, आइंदा ये ना कहना कि वाली नजफ तक पहुंचे, वाली नजफ तक तो सोच भी पहुंचती है। ये ज्यादा से ज्यादा कहा करो कि नजफ तक पहुंचे, वाली नजफ तक तो तकदीर की सरगोशी भी पहुंच जाती है। मैंने क्या कहा, क्या कहा, मैंने कहा ये बतूल की आमद थी कि जिसने सैयदुल मलाइका की बीनाई छीन ली और उसे पूछना पड़ा मन तातल किसा, कौन है चादर के नीचे। और आगे अल्लाह ने क्या कहा, आवाज जी ये ठीक है कि अल्लाह ने हम फातिमा तो व अबूहा,
अब बीबी तो पर्दादार थी, अल्लाह ने हम क्यों कहा? ये जमीर तो मुजक्कर की है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही मेरी बात पीछे वाले वालों? देखे, नाम जब पर्दादार का है तो सीगा मोहनस का होता, जमीर भी तानीस वाली होती। यानी यूं हर बंदा बात को नहीं पहुंच सका। यानी अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो यूं कहना चाहिए था अल्लाह को, शी इज फातिमा एंड हर फादर। अल्लाह कह रहा है दे आर फातिमा। ठीक है ना? दे आर फातिमा। बात ही मुजक्कर से, नाम पर्दादार का लेता है, इसीलिए मुजक्कर के इस्तेमाल करके हम जाहिलों को बता रहा है खुदा, औरत ना समझ लेना ये सारे मर्द हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठहरो ठहरो, अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाइए, आखिर अल्लाह है ना, है? अल्लाह होता ही वही है जो जबर मशीयत से मनवाए। आओ गुलफाम हुसैनी, मैं अदद बताता हूँ, मुझे जोड़ के बताना रिजाल के अदद कितने हैं। रे के 200, जीम के 3, ऊंचा ऊंचा बोल लो, अलिफ का 1, लाम के 30, 234, 2, 3, 4, दो तीन पांच और 4, 9। अल्लाह ने रिजाल का हासिल अदद भी 9 रखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब बोलो, मिलके बोलो, दिल से बोलो, सकीना निकले जाए। जो नहीं, अगर तुम जाग रहे हो, आओ तुम्हारे ईमान को पानी पिला दूं। हैं? पौधा इतनी तेजी से क्या बढ़ेगा जितनी तेजी से ईमान बढ़ता है अगर सैराब हो जाए तो। हाँ हाँ, अब देखे, बीबी का लकब है हिजाबुल्लाह। मेरे को दुआ करना एक बच्चा भी इस काफिले से बिछड़े नहीं, वरना मुझे अफसोस होगा। हैं? हिजाबुल्लाह, मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ। हिजाबुल्लाह के माने क्या हैं? अल्लाह का पर्दा। कैसी पर्दादार है जो उसको पर्दादार बनाती है। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, अली वालों से खिताब कर रहा हूं मैं। गजन पर तो पढ़ता ही शियों के लिए है, ना किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, ना किसी और को मुझसे मुतफिक होने की जरूरत है। लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो, सर उठाना, अगर कोई पर्दादार जा रही हो और अल्लाह ना करे उसका पर्दा उड़ जाए, बेपर्दा हो जाएगी ना, ये है उसका पर्दा। अल्लाह अकबर। नहीं, अरे देखो, पर्दादार नजर नहीं आते, पर्दा नजर आता है।
हाँ, अब देखो ना ये मलिकौर ने ये पर्दा लगवाया कमर से कह के, नजर आ रहा है ना पर्दे के पीछे क्या है ये हमें नहीं पता, पर्दा तो देख रहे हैं ना, क्योंकि ये पर्दा अल्लाह का है, पर्दा भी नजर नहीं आता। अच्छा आओ उवैस शाह जरा अपना मोहल्ला जगाते रहे ना, मैं बात कहने लगा हूं। हिजाबुल्लाह एक का लकब है ना, बीबी का लकब है ना, नहीं अच्छा जनाब सैयदा का लकब है, हैं सैयद आलमीन का खिताब है हिजाबुल्लाह, अल्लाह का पर्दा। हिजाब के जरा अदद देखो, जीम वाली है के 8, जीम के 3, अलिफ का 1, बे के 2, नहीं बल्ले बड़ी बात, हिजाब के अदद है 14। अल्लाह कहता है अकेली मस्तूर न समझना, इसके बदन में 14 जमा हुए हैं। जहां मेरी आदत से अब लाहौर वालों से ज्यादा मेरे मिजाज को कौन पहचानेगा, लातादाद खिताबात मेरे सुन चुके, हाँ सर उठाना। हिजाब की आदत 14, खिताब 1 का है, जात में 14 जमा है। पहले मोहम्मद की चूंके वारिसाए मुतलक है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया उसको, ये तूने अंडर ब्रैकेट लिख दिया कुरान, कुरान अरबी का लफ्ज है और कुरान में दर्जनों बार इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह कह देता इन्ना अनज़लनाल कुरान, इन्ना अनज़लना हो, होवा की ज़मीर है गायब की, हमने नाजिल किया उसको, किसको इसका भी पता नहीं। फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र में जब अच्छा फतवा लगाते हैं मुझ पर शिया, मुझ तहदीन को नहीं मानता, और देखते हैं तू कितना मानता है। ये तो आगा खुमैनी ने भी लिख दिया है अपनी किताब मिसबाहुल हिदाया में, कहते हैं इन्नल हा इशारतुन इलल हकीकतिल मुहम्मदियतिन नाज़िलते फी बुनियतिहा शरीफा। वो कहते ये जो हा होवा की जमीर है ये हकीकत मुहम्मदिया की तरफ इशारा है, लैलतुल क़द्र चूंकि लकब बतूल का है, अल्लाह कह रहा है हमने मोहम्मद की हकीकत को बतूल के बदन में उतारा। ये कोना जो पिछड़ा कोना है इसके 4-5 बंदे जरा ढीले ढीले लग रहे हो, सर उठाओ, सीना फैला के बैठो, हकीकत मोहम्मदी या बतूल की जात में नाजिल हुई। अब मलिक और मुझे इजाजत है कहने की, मैं कह सकता हूं ना, जाहिर बतूल का नाम मोहम्मद है और पर्दादार मोहम्मद का नाम बतूल है।
परदादार मोहम्मद बतूल। अच्छा अब बात शबकत अमानत खुल गई ना कि हिजाबुल्ला लकब इसका है, अदद 14 है और मोहम्मद की वारिस है चूंके, अली की हमसर है चूंके और 11 वजूद में आने के लिए मोहताज हैं इसके। मैं कह गया 11 अपनी आमद के लिए जहूर के लिए इसके मोहताज हैं, ये ना होती 11 जाहिर ना हो सकते, इसलिए इस अकेली की जात में 14 है, 14वीं खुद है। अब ये है हिजाबुल्ला, बैठा रहूं या उड़ जाऊं। मैंने सुना है आगा जी रसूल फरमा रहे थे मैं मेराज पे गया, सरकार कहां, फरमाया काबा कौसैन से गुजर गया और अदना भी क्रॉस कर गया, मैं हिजाब के पास पहुंच गया। हिजाबात पहले भी थे जिनसे मैं गुजर गया, फिर हिजाब अकबर के पास पहुंचा। जो है हिजाब अकबर के पास, अब अल्लाह जाने वो क्या हिजाब था। हाँ हाँ अलबत्त इतना मैं जानता हूं 120 में राजे थी ना, उनमें पहले वाली दो मरबूत ही बतूल से है, पहली पे बुलाया कुछ देने को, गजानफर अपने पड़े का खुद जामिन, सो रहे थे चादर तान के, उम्मे हानी रिजवानुल्लाह अलैहा के घर, तेरे मौला अली की हमशीरा के घर सो रहे थे, वहां से मेराज हुआ। अब पता नहीं मेराज अबू तालिब के घर से क्यों होती है, क्योंकि बीबी उम्मे हानी के पास जो घर है वो अबू तालिब का था। हाँ खैर ये एक जुमला मोतरजा था, जिब्रील ने अपने रुखसार मेरे रसूल के पांव के तलवों से मस किए, या मोहम्मद तो दूर की बात, या रसूल अल्लाह कह के भी जगाने की हम हिम्मत नहीं कर सका, बरुखसार छुआए, काफूर की ठंडक तलवों में उतरी, माजागल बसर की आंख खुली, उठ के बैठा मेरा रसूल, लिमादा जेता क्यों आए, सरकार वे सवारी खड़ी है, अल्लाह ने बुलाया है, बे क्यों बुलाया है, यहां मैं उससे बातें नहीं करता, यहां वो मुझसे दूर है या मैं उससे परे हूं, जो मखलूक की शहरग से ज्यादा नजदीक है मुझसे दूर है, सरकार मुझे कुछ पता नहीं, बस मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी, जो पहुंच गए मैं सलाम कहता हूं,
उड़ती उड़ती खबर वो कह रहा है जो खुद उड़ने वालों का सरदार है। हाँ, उड़ती उड़ती सुनी कि अल्लाह आपको कोई तोहफा देना चाहता है, है? होने को होने से पहले जानने वाला मुस्तफा, जिब्रील की तखलीक से पहले हकीकतों को जानने वाला मोहम्मद पूछता है, है? क्या तोहफा? सरकार मुझे ये पता नहीं, बस सुना है ऐसे कि कोई तोहफा। जिब्रील, कुरान मुझे ढूंढता है, वही मुझे तलाश करती है, नबुवत मेरे ताकुब में आती है, रिसालत मेरी जस्तजू में, हर इनाम जहां मैं होता हूं वहां, ये कौन सा तोहफा है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा? सरकार जा रहे हो, पूछ लेना, मेरे इल्म में नहीं है कि क्या तोहफा। जब हिजाब अकबर के पास पहुंचा, तेरा रसूल, मालिक ये कौन सा तोहफा है जो नबूवत से बड़ा है, रिसालत से आला है, वही से अल्फा है, कुरान से बुलंद है? का मोहम्मद, हर शय ने तुझे ढूंढा, तू जहां था, आज बतूल देनी है, चल के लेनी पड़ेगी। तोहफा है जिसके लिए सुल्तान ममलिकत अहदियत को चल के जाना पड़ता है। तो पहली मेराज तो थी ये, दूसरी भी फिर बुलाया कुछ अरसे बाद, मेरे हबीब जी रब्बे जलील, जानते हो क्यों बुलाया है? तुम मालिक जो हुआ, मैं तेरा अब तेरा बंदा, तू दिन में करोड़ दफा बुलाए, मैं कौन हूं ना करने वाला? नहीं मेरे हबीब, अली मेरे घर में आया है, उसकी ये हर जरूरत पूरी करना चूंकि घर वाले का, घर के मालिक का फरीजा होता है। देख, क्योंकि जो बच्चा जिस घर में आता है उसे लिखाता वही है, पढ़ाता वही है, नाम वही रखता है, आखिरी फरीजा शादी का होता है। मैंने अली को नाम अपना दिया, इल्म अपना सीने में रखा, जोर अपना कलाइयों में भरा। लड़ने जोगा हुआ हथियार अपने भिजवाए, अब आखिरी फरीजा रह गया है शादी वाला, क्योंकि मेरा खाना दाद है, तुझे बुलाया इसलिए है। रात के पर्दे में, पर्दा तौहीद के पास पर्दादार का रिश्ता मांगना है, बतूल वापस चाहिए। अल्लाह, पिछड़ा माला ठीक है, बार वाला ठीक है, है? अब अल्लाह यहां मलिक, और खुदा की कसम मलिक शौकत शकील अमान, आलिम ने इल्म शशतर है, साहिबान अक्ल नहीं, अक्ल गोंग है, इदराक के बदन पे थरथरी है,
क्या है इसमें? मालिक रिश्ता मांगा क्यों है? जुमला बोलने लगा हूं लाहौर वालों, इशारा नहीं करूंगा। हाँ, देखता हूं ना कि मेरी हजारों मजालिस पढ़ी का नतीजा क्या है, समर क्या है, फल कितना लगा है। मालिक आखिर ये रिश्ता करना क्यों चाहता है? का अपनी तौहीद बचाने के लिए। जब मालिक इस शादी से तौहीद बचाने का क्या रिश्ता है? इस रिश्ते से तेरी तौहीद का क्या रिश्ता है? आवाज कुदरत आई मेरे हबीब, मैंने सूरह अनाम में कहा नहीं, जब नसरानी कह रहे थे ईसा अल्लाह का बेटा है तो मैंने कहा था मेरे हाँ बेटा कैसे हो सकता है, मेरी तो बीवी ही नहीं है। लम तकुल्लहु साहिबतुन, मेरी तो ज़ौजा ही कोई नहीं। तो मेरे हबीब, लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है, अल्लाह की बीवी नहीं होती। ठीक है, लोग पक्के हो गए इस पर। कई कम वक्तों को पहले से अली पे शक है। पहले कुछ जाहिल उसे अल्लाह समझने लगे हैं, अगर उसने शादी न की तो मोहर लग जाएगी। रिश्ता दे दे, अली बीवी वाला हो जाए, मेरी तौहीद बच जाएगी। बेटा जल्दी जल्दी नारा जल्दी का वक्त नहीं। भाई जल्दी कर, या फिर तुम यहाँ आके मजलिस पढ़ो, मैं वहां नारे लगाऊंगा। हाँ मेरे तरफ देखो, मैं चाहता हूँ कुछ ज्यादा से ज्यादा बातें हो जाए सामने इनसे, तुम पूरी मजलिस पढ़ने लग जाते हो। क्या कह रहा था? वो बीवी वाला हो जाएगा, मैं बगैर बीवी के, मेरी तौहीद बचेगी। मालिक आखिर तुझे इतना एहसास क्यों है अली का? पर मैं देख मेरे महबूब, तू मेरी मोहब्बत है, हाँ
आजकल नहीं छुट्टी दूंगा, ज्यादा तक नहीं करूं तुम्हें। और टाइम 8:30 है, पूरे 8:30 से कुछ मिनट पहले आ जाया करो। 8:30 का मतलब 8:30 होता है। हाँ, तू मेरी मोहब्बत है। और कानून ये है कि महबूब के पसीने पर मुहिब का खून बहता है। मैं वो कादिर मुहिब हूं जो बदन नहीं रखता। मैंने अली को अपना बदन बनाकर वजहुल्ला, ऐनुल्ला, उज़्नुल्ला, लिसानुल्ला, यदुल्ला, जम्बुल्ला, नफ्सुल्ला बनाकर तेरी ढाल बना दिया। अब जहां तेरा पसीना बहना होता है, अली खून बहाता है। अली ढाल है मेरे प्यार की, अली हिसार है मेरे इश्क का। अली कला है मेरी मोहब्बत का। हल जलाओ लेसान इल्ला लेसान, एहसान का बदला एहसान की सूरत में उतारना तो है। उसने मेरी मोहब्बत बचाई। फातिमा मेरा पर्दा है, मैं उसे अपनी चादर दे रहा हूँ। खत्म हो गई बात, छुट्टी जाओ। तुम सारे जितने मोहम्मद भी हो, तुम सब के सब मेरी जात के भी मजार हो, मेरी सिफात के भी मजार हो, जुज कुल सब कुछ के मदारे, अकमल मदारे, अतम मदारे कुल हो तुम। लेकिन एक ऐसी सिफत थी मेरी, उसका कुल्ली इजहार तुम तेरा मिल के भी नहीं कर सकते थे। उसके लिए मुझे तुम से ही बतूल निकाल के तराशना पड़ी। मालिक वो क्या, क्या मैंने आदम से लेकर आए मेरे हबीब तुझ तक ये बात नहीं पहुंचाई अपने बंदों तक। अल्लाह वो गायब है जो है भी सही, नजर भी नहीं आता। मेरे जाहिर के मजहर तो तुम बन गए हो, इस सिफत का मजहर कौन बनता। मैंने बतूल बना के जमाने को बताया जैसे ये है भी सही। मगर नजर नहीं आ सकती, न यहाँ न वहाँ न यही न कहीं। अली भी राज है लाहौर वालों, अजल से आज तक कोई नहीं जानता अली क्या है, मगर कयामत को पता चल जाएगा अली क्या था। समझ में आ गई बात या नहीं? हाँ, मगर बतूल का ना यहाँ पता, ना बरज़ख में खबर, ना आखिरत में पता, अपनी तरह पोशीदा रखा। और मैंने आलम माना में लाहौर वालों अल्लाह से पूछा था इतनी पोशीदा क्यों है, पर मैं जाहिल न बन सितरुल्लाह मुर्खा, ये मेरा लटकाया हुआ पर्दा है, ये नजर आ जाए तो फिर मैं सामने आ गया। अल्लाह
क्योंकि मलिक और मलिक शौकत ये शकील अमान तोहफा थी, खुदा का दिया हुआ हदिया था। बेटी के लिए नहीं उठते थे, रसूल हदीयतुल्लाह के लिए उठते हैं, अली तोहफतुल्लाह के पीछे चलते हैं। ये घर से जो मुबारक तक अली पीछे चले, दौजा के पीछे नहीं चले, तोहफतुल्लाह के पीछे चले। चूंकि घर में ये महकूमा होती है, अली हाकिम होता है। जब घर की दहलीज गुजर जाए फिर बाकी रिश्ते खत्म। ये हिजाबुल्लाह, वो वलीउल्लाह, अल्लाह के वली को भी अल्लाह के हिजाब से पीछे रहना पड़ता है। अल्लाह अकबर। हाँ, और ये अब फैसला मैं अपने हर सुनने वालों से चाहूंगा, जिसका ये एहतराम हो, जिसका ये मकाम हो, रिसालत खड़ी हो जाए, खत्म नबुव्वत खड़ी हो जाए, क्या वो इस लायक थी कि पहरों खड़ी रहे। अल्लाह अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। मैं दुआई दे सकता हूँ कि जो जो आँख इस गम में रोती है, खुदा करे उसे किसी गम में कभी रोना ना पड़े। हाँ, बस दो फिक्रे कहने हैं, कोई लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना। जिसके सीने में गोश्त है और रोने की नीयत लेके आए, उसकी इबादत हो जाएगी। आखिरी वक्त था जनाब खदीजतुल कुबरा का। फजाइल में रोज तुम्हें नई बातें सुनाता हूँ, लेकिन मसाहिब की कहानियां वही हैं जो सारे अजादार जानते हो। मैं याद दहानी कराऊंगा, आंसुओं की खैरात बीबी से खुद मांगना। आखिरी लम्हात, बचपना है बतूल का, बुलाया, बेटा जी अम्मा बाबा की खिदमत में जाओ और कह दो कि कनीज एहसान नहीं जतला रही। वाकया है, तू तो दिलों के भेद जानता है। वाकया बयान कर रही हूं कि मेरी जितनी दौलत थी मैंने इस्लाम पे खर्च कर दी, अब मेरे पास कफन खरीदने का पैसा नहीं है। अगर गुस्ताखी न समझे तो मेरे कफन के लिए ये कंधे वाली चादर अदा कर दे, मैं इस चादर को कफन बना लूंगी। यही जाके लाहौर वालों बतूल ने कहा, इतनी तेजी से उठे और तेजी से चले कि अपने हुजरे से जनाब खदीजा के बिस्तर तक 3 दफा रास्ते में चादर कंधे से गिरी। आगे सराहने बैठे, आंखें बंद थी बीबी की। सही फैतर पे गर्म आंसू गिरे, आंख खुली, तड़प गई बीबी। सरकार मैंने कोई मुश्किल सवाल कर दिया, चादर ही तो मांगी है। खदीजा, चादर मांगती हो, मुझसे चमड़े का कफन मांगो। फिर भी मोहम्मद तेरा एहसान उतार नहीं सकता। ये बात हो रही थी, जिब्रील आ गया, अल्लाह कह रहा है दीन भी मेरा, खदीजा का एहसान भी मेरे दीन पर। ये जन्नत का कफन, ये गुस्ल के लिए जन्नत का पानी, ये जन्नत का हनूत। रसूल ने कहा, ले खदीजा, तेरा गुस्ल कफन का इंतजाम हो गया, कफन के ऊपर मैं ये चादर भी डाल दूंगा, लेकिन मुझसे कोई और फरमाइश कर, बस मैं खत्म करने लगा हूं। जब रसूल ने कहा ना, मुझसे और फरमाइश कर, बिला तश्बीह कांपती हुई उंगली बतूल की तरफ उठी, का वादा कीजिए मेरे बाद जहरा रोएगी नहीं।
अल्लाह अकबर। बच्चे तुम क्या रो रहे हो? जिस तरह तेरा रसूल रोया, चीखे मार के रोया रसूल। जनाब खदीजा ने कहा, सरकार मैंने कौन सी मुश्किल फरमाइश की? जैसे मेरी बेटी है आपकी भी तो वैसे बेटी है। कहा खदीजा मैं जबान से नहीं बता सकता, बिला तशबीह मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। अल्लाह जाने क्या देखा, अपनी मौत भूल गई, कोहनियों के बल तकिए पे टेक लगा के उठी। कहा अल्लमान ये कौन गुस्ताख है जो कुर्सियों पे बैठे हैं, मेरी ज़हरा खड़ी है, कोई नहीं कह रहा, ज़हरा थक गई होगी, मोहम्मद की बेटी हो बैठ जाओ। शिरकत मुबद्दल वसादत फरमा, हमारी कबूल फरमा, जो उन भी औलाद औलाद रिलाता फरमा, जो मुकर्रर और तंग दस्त हैं उनकी तंग फरमा, जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमा, जो कैद है रिहाई अता फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात व फ़ज़ाया अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हिफाज़त और मराम तक पहुँचा, हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़ुहूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली एक लखिंजत मिन अल-हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि अस-साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअत अल-लैल व अन-नहार वलियुम व हाफिज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله أجمعين।